साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात की सियासत से, जहां एक तरफ चुनाव नजदीक है, वहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका, एक बड़ा डेंट हम कह सकते हैं। हालांकि देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपनी पूरी ताकत मैदान में झोंक रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दिया, लेकिन कांग्रेस भी अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रचार में जुटी हुई थी। अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी हितेन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हितेन, इस्तीफे की आखिर क्या वजह? देखिए, सुबह बीती रात करीब 1:30 बजे के आसपास जय नारायण व्यास ने जो इस्तीफा दिया है, हालांकि सुबह सुबह उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पार्टी से उन्हें किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं थी या पार्टी के नेताओं से भी उनकी किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं थी। लोकल लेवल पे जो कमियां थी जिसके चलते उन्हें काफी इग्नोर किया जा रहा था, वो उससे वो हट हुए थे और कहीं ना कहीं उससे उन्होंने फैसला लिया कि वो बीजेपी के तमाम पदों से जो वो इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कांग्रेस में जुड़ रहे या फिर आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे। उन्होंने कहा कि वो राजनीति में सक्रिय बने रहेंगे। अभी उन्होंने किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन बीते एक हफ्ते पहले ही आपने देखा होगा तस्वीरें आई थी इनकी के किस तरीके से अशोक गहलोत से वो अहमदाबाद में उन्होंने एक जगह पर मुलाकात की थी, और तो तस्वीर भी जो है वो सबको याद है कि हंसते हुए वो कहीं ना कहीं बातचीत दोनों के बीच जो वो चल रही थी। तो निश्चित तौर पर माने जा रहा है कि अशोक गहलोत जब जय नारायण व्यास से मुलाकात करते तो कहीं ना कहीं उनको अपने खेमे में लेने में कामयाब हो गए। अब इंतजार यही है कि जय नारायण व्यास कांग्रेस में कब तक जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हितेन जुड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस से जुड़ते हैं कि नहीं ये देखना होगा। बिल्कुल, आगे रुख करते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से, ये खबर है सुधीर सूरी की हत्या के खिलाफ आज पंजाब बंद बुलाया गया है। कल अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर की हत्या हुई थी, हत्या के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने आज पंजाब बंद बुलाया है। अबोहर में प्राइवेट स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है। कल हत्या के विरोध में कई जगहों पर हंगामा हुआ था, और इसके बाद अभी इस वक्त पंजाब में जो हालात है वो बेकाबू हो गए हैं, बहुत माहौल गर्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदूवादी एक नेता है उनकी हत्या की गई थी, उसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने आज पंजाब बंद बुलाया है, लगातार नारेबाजी हो रही है। शिवसेना नेता है सुधीर, इनकी हत्या कर दी गई, कल अमृतसर में हुई थी सुधीर सूरी की हत्या, और इसी के खिलाफ आज पंजाब बंद बुलाया गया। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है क्योंकि लगातार पंजाब में माहौल गर्मा गया है। रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को अमृतसर में गोपाल मंदिर के बाहर जागते हुए भी पंजाब पुलिस क्या सो रही थी, जो उनके सुरक्षा घेरे में होने के बावजूद शिवसेना नेता सुधीर सूरी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। अत्याधुनिक हथियारों से लैस पंजाब पुलिस के जवान खड़े थे और एक खालिस्तानी पिस्तल लेकर आया और 5 गोलियां सुधीर सूरी के शरीर में उतार कर भाग निकला। पंजाब पुलिस पर सवाल उठ रहा है कि ऐसी सुरक्षा का क्या मतलब, जब एक खालिस्तानी पिस्तल से किसी की हत्या कर भाग जाए और पुलिस कार्बाइन से हवाई फायरिंग करती रह जाए। हालांकि हत्या के कुछ देर बाद हमलावर संदीप सन्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुधीर सूरी की हत्या इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि वो लंबे समय से आतंकियों के टारगेट पर थे। पंजाब सरकार से उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। सूरी की सुरक्षा में 15 पुलिसकर्मी और 1 पायलट जिप्सी थी। 5 पुलिसकर्मी उनके घर पर रहते थे। खालिस्तानियों के लिए पंजाब में सुधीर सूरी बड़ी चुनौती बने हुए थे। 2016 में सुधीर सूरी ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर खालिस्तानी एक हिंदू मारेंगे तो वो 10 गिराएंगे। 2019 में सुधीर सूरी ने सिख महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी, तभी से खालिस्तानी उन्हें मारने की धमकियां दे रहे थे। सुधीर सूरी की हत्या के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या पंजाब में खालिस्तान दोबारा सर उठा रहा है। सुधीर सूरी की हत्या से नाराज हिंदू संगठनों ने कई जगहों पर दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की। इस बीच सुधीर सूरी के बेटे ने मांग की है कि सरकार उन्हें शहीद का दर्जा दे, नहीं तो वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अंजनी मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधे अमृतसर से। अंजनी, तस्वीरें इस वक्त क्या बनी हुई है अमृतसर में? सुधीर सूरी की हत्या के बाद पंजाब बंद का आह्वान भी किया गया है, माहौल बेहद गर्म है, इस वक्त क्या तस्वीर सुबह की? बिल्कुल बिल्कुल सोनिका, बताऊं कि पंजाब बंद का आह्वान तो किया गया, लेकिन इस वक्त मैं मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हूं।
तस्वीरें आप देखिए, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स है, इसके अलावा एंटी रॉयड पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और आप तस्वीरों में देखिए, ये मेडिकल कॉलेज का पोस्टमार्टम यूनिट है जहाँ पर सुधीर सूरी का पोस्टमार्टम अंदर किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है कि अंदर भारी सुरक्षा के बीच में सुधीर सूरी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। उनके समर्थक अभी थोड़ी देर पहले बाहर ही खड़े थे, उनसे मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं के ऊपर ये जो है हमले बढ़ गए हैं और पंजाब में हिंदू संगठन जो हिंदू लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। आप देखिए तमाम जो बड़ी सुरक्षा के फोर्सेस, आप देखिए कमांडोज, ब्लैक कैट कमांडोज के जो भी जवान यहाँ पर पहुँचते हुए आपको नजर आ रहे हैं, यानी भारी सुरक्षा के बीच में ये पोस्टमार्टम चल रहा है। और तस्वीर एक के बाद हम देखिए एक और, देखिए पंजाब पुलिस की एक और वैन आई है यहाँ पे। चूंकि पोस्टमार्टम के बाद जब उनकी डेड बॉडी बाहर आएगी, उनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा, तो माना जा रहा है कि यहाँ पर भारी भीड़ उनके समर्थकों की होगी और किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, कोई हंगामा ना हो, इसको देखते हुए आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है, उनके समर्थक कल सोनिका तस्वीरों में आपने देखा होगा जो उनके जस्ट सामने बैठे हुए थे, वो उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर पुलिस की लापरवाही भी है और पंजाब में जो हिंदू हैं वो असुरक्षित हैं। अच्छा अंजनी, जानकारी ये मिली है कि आपको, अंजनी आपके पास लौटते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल देखिए, और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि पंजाब के डीजीपी गौरव यादव रात में अमृतसर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, डीजीपी ने सुधीर सूरी हत्याकांड की छानबीन की और उसके साथ ही हत्या वाली जगह पर पंजाब के डीजीपी पहुंचे थे। ये अभी खबर मिल रही है कि रात को जाकर वो पहुंचे, हर पहलू से हत्याकांड की जांच हो रही है, ये भी उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी अंजनी भी तस्वीर दिखा रहे थे कि भारी सुरक्षा वहां पर कर दी गई है, पोस्टमार्टम हो रहा है, डीजीपी ने सुधीर सूरी हत्याकांड की छानबीन की, क्या कुछ उन्होंने कहा था उस दौरान सुनवाते हैं आप। हम सारे पहलुओं पे जांच कर रहे हैं, अभी किसी भी इन्वेस्टिगेशन एंगल पे कुछ कहना उचित नहीं होगा। इट इज टू अर्ली टू कमेंट। अभी सारे पहलुओं की जांच कराएंगे। तो देखिए तस्वीरें लगातार मिल रही हैं अंजनी, अभी वहां पर किस तरीके की हलचलें, आगे क्या कुछ होगी, कार्रवाई की दिशा। हालांकि डीजीपी आश्वस्त कर रही हैं कि कार्रवाई हम पूरी तरीके से करेंगे और जल्द ही इसका हम ये कह सकते हैं कि पर्दाफाश होगा। बिल्कुल देखिए, डीजीपी साहब कल उनका बयान आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि भाई अफवाहों पे ध्यान न दे, और वो सोशल मीडिया पर भी वो कह रहे थे कि भाई गुमराह करने वाले खबरों को न प्रसारित करें। लेकिन यहाँ की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा है, अंदर में उनके तमाम समर्थक हैं, वो अंदर मौजूद हैं और पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार वालों को उनकी डेड बॉडी को सौंपा जा सकता है। लेकिन जैसा कि अब आप देखिए कितनी भारी पुलिस फोर्स को यहाँ पर अंदर तैनात किया गया है। मैं कहूँगा उमेश जी, थोड़ा सा अंदर का आप दिखाइए तस्वीरें, थोड़ा आगे आइए और दिखाइए किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस फोर्स अंदर आपको नजर आ रही होगी सोनिका और करिश्मा। बिल्कुल बिल्कुल अंजनी, आप लगातार नजर बना के रखें कि पंजाब में कैसे हालात बने हुए हैं, क्या क्या अपडेट हो रहे हैं, आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं, सुधीर सूरी की हत्या के बाद खालिस्तानी साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खालिस्तानियों की टारगेट लिस्ट में राम रहीम समेत कई वीआईपी के नाम सामने आए हैं। रिपोर्ट देखिए। खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर अब डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम भी हैं। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या करने वाले संदीप सन्नी की कार से एक बुकलेट बरामद हुई जिसमें उन लोगों की तस्वीर है जो खालिस्तानी आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। संदीप की कार से बाबा राम रहीम की फोटो भी बरामद हुई है और फोटो पर क्रॉस लगाया हुआ है। राम रहीम के अलावा कई और नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और वीआईपी भी खालिस्तानी आतंकियों के हिट लिस्ट में हैं। टीवी कलाकार भारती सिंह, पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी, सामाजिक कार्यकर्ता मनिंदरजीत सिंह बिट्टा और बंदी सिंहों के नाम भी शामिल हैं। इन सभी की फोटो पर क्रॉस का निशाना लगाया हुआ है, लेकिन मनीषा गुलाटी की तस्वीर पर गोल निशान लगा है। इन वीआईपी की हत्या की साजिश पंजाब में बैठे खालिस्तानी आतंकी रच रहे हैं जिन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का सहयोग मिल रहा है। इसकी तस्दीक पाकिस्तान में बैठे खालिस्तान समर्थक गोपाल चावला के उस वीडियो से होता है जो उसने सुधीर सूरी की हत्या के बाद जारी किया। मैं सदके जावां उस अपने भरा दे, मैं सारे नु मुबारकबाद देना कि एक चला गया
हूँ अगले देखो ने जाना ही जाना है, निशांत शर्मा ने भी जाना है, अमित अरोड़े ने भी जाना है, मंडल ने भी जाना है, बाकी दूसरे तीसरे ने भी इस तरह मरना जिम्मे गया और सद के जावा शेरा जिड़े शेर ने कतल किया मेरी जान जिंद हाजिर है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम रेप और मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है लेकिन फिलहाल पैरोल पर बाहर है। वो बागपत के आश्रम में ठहरा हुआ है और जिस तरह से खालिस्तानी आतंकियों की हिट लिस्ट में उसका नाम आया है उससे पुलिस भी अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी मीडिया। माफिया मुख्तार अंसारी के बाद उनके बेटे की मुश्किलें अब बढ़ गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने करीब 9 घंटे तक बयान दर्ज किया और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। देखिए बाहुबली मुख्तार अंसारी के बाद अब बेटी अब्बास अंसारी पर कानून का शिकंजा कस गया। शुक्रवार को प्रयागराज में 9 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद ईडी ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद देर रात ईडी अब्बास अंसारी को इसी गाड़ी से पुलिस की निगरानी में लेकर निकली। रात करीब 12 बजे अस्पताल में उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल होने के बाद अब्बास अंसारी को एक बार फिर ईडी दफ्तर लाया गया। शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अब्बास को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी की 3 अलग अलग टीमों ने अब्बास से सवाल जवाब किए। कहा जा रहा है कि अब्बास के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं है। इंक्वायरी के दौरान वो गोल बोल जवाब दे रहा था। अब्बास अंसारी अपनी प्रॉपर्टी और उससे अर्जित करने के सोर्स की जानकारी भी नहीं दे सका। सूत्रों के मुताबिक ईडी को अब्बास अंसारी के खिलाफ सॉलिड प्रूफ मिले हैं। 2 बजे आए थे, 2 बजे से 11 बजे तक पहुंचा चली और अचानक जो है ईडी दफ्तर में लेके चले गए, जिनको आधार मानकर अब्बास को बुलाया गया था। ईडी की टीम ने अब्बास का फोन भी जब्त कर लिया है। ईडी की टीम ने अब्बास के ड्राइवर से भी पूछताछ की है। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज होने के बाद ईडी जांच कर रही है। मुख्तार के परिवार के सदस्यों को भी ईडी ने आरोपी बनाया है। आज ईडी अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी और आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप तय हुए हैं। डमी कंपनी बनाकर दंगे के लिए 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जुटाए थे। रिपोर्ट देखिए। ये है ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का नेता और पूर्व पार्षद, जो 2020 में दिल्ली में हुए दंगे का मुख्य आरोपी है। ताहिर हुसैन पर दिल्ली के काकरडूमा कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। इन आरोपों से यह खुलासा हुआ कि दंगे कराने के लिए ताहिर हुसैन ने बड़ी प्लानिंग की थी। यह खुलासा कोर्ट में दाखिल की गई ईडी की चार्जशीट से हुआ। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन ने डमी कंपनी बनाकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए जुटाए थे और इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली में दंगा कराने के लिए किया गया। कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की धारा सेक्शन 3 और 4 के तहत आरोप तय किए। ईडी की चार्जशीट पर गौर करें तो ताहिर हुसैन ने फर्जी बिलों और फर्जी एंट्री ऑपरेटर्स के जरिए अपने नियंत्रण वाली कुछ कंपनियों के खातों से फर्जी तरीके से पैसे निकाले और फिर इन रुपयों का इस्तेमाल उसने फरवरी 2020 में हुए दंगों के दौरान किया था। दंगों का दर्द अभी भी दिल्ली वालों के दिल में है और ऐसे हालात में जब ताहिर हुसैन की साजिश सामने आ चुकी है तो उसे कड़ी सजा देने की मांग उठने लगी है। उधर ताहिर हुसैन को अदालत से कोई राहत भी मिलती नहीं दिख रही है क्योंकि उसने जमानत के लिए जो अर्जी लगाई थी उसे काकरडूमा कोर्ट ने खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में दम घोटू प्रदर्शन जानलेवा हो गया है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का बुरा हाल हो चुका है, अभी भी गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। आपको बता दें बड़ी खबर, दिल्ली में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 431 दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देखिए अलग अलग इलाकों की भी AQI हम आपको आप तक पहुंचा रखे हैं। धीरपुर की बात करें तो 534, जहांगीरपुरी में 456, नेहरू नगर में 439 AQI, नोएडा में 529, गाजियाबाद में 374, गुरुग्राम में 478 AQI पहुंच चुका है। तो दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है और यही एक वजह है कि स्कूलों को अब बंद किया गया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली की आबोहवा दिनों दिन जहरीली हो गई है। दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। पराली जलाने और गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण के चलते दिल्ली की खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। प्रदूषण का स्तर इतना खराब हो चुका है कि दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है।
हालात ऐसे हो गए हैं कि दिल्ली में अब सांस लेने में भी दम घुटने लगा है। इस बीच दिल्ली में हॉटस्पॉट्स पर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। बाजार और ऑफिस के लिए अलग अलग कार्य समय यानी टाइम टेबल की योजना बनाई गई। दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। निजी कार्यालयों को भी इस नियम का पालन करने की सलाह दी गई है। जरूरी सेवाओं को छोड़ दिल्ली में डीजल में चलने वाली ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं प्राइमरी स्तर तक के सभी स्कूलों को 8 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही गाड़ियों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू करने पर भी दिल्ली सरकार विचार कर रही है। अभी जो स्टेज हम लागू कर रहे हैं, हमने बैन लागू किया हुआ है, वो 400+ के स्टेज में ऑलरेडी हम एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर सीवियर प्लस कैटेगरी में जाता है तो उसके लिए जैसा मैंने कहा कि कई तरह के और एक्शन जो है सीएचयूएम के डिसीजन से लिया जाए। गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी दिल्ली की आबोहवा लोगों को परेशान कर रही है। आंखों में जलन, गली में खराश, सिरदर्द, छाती में भारीपन जैसी समस्याओं से लोग दो चार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर गुजरात चुनाव में विजयी होने का आरोप लगाया तो सीएम केजरीवाल ने कहा प्रदूषण पर सियासत ना हो। रिपोर्ट देखिए। हर साल दिवाली के बाद दिल्ली का दम घुटने लगता है। प्रदूषण की चादर आबोहवा में पसर जाती है और लोगों का सांस लेना मुहाल हो जाता है। पंजाब में पराली जलाने को दिल्ली के प्रदूषण की बड़ी वजह बताया जाता है और यही वजह है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब दोनों जगह यही दल सत्ता में है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, दिल्ली की जनता से आग्रह है कि वो मास्क पहने और वायु प्रदूषण से स्वयं की रक्षा करें, क्योंकि केजरीवाल जी गुजरात और हिमाचल में मुफ्त की रेवड़ी से जुड़े वादे करने और दिल्ली की जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए के खर्चों से विज्ञापन देने में व्यस्त हैं। उधर प्रदूषण को लेकर निशाने पर आने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। केजरीवाल ने न सिर्फ अपनी सरकार की बल्कि भगवंत सरकार का भी बचाव किया और कहा कि प्रदूषण पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है, उससे समाधान नहीं निकलता। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच एमसीडी चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया और 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में जाहिर है कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी प्रदूषण को बड़ा मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार को घेरने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव नजदीक है, ऐसे में आज रैलियों का वेला देखने को मिलेगा। पीएम मोदी हिमाचल में संभालेंगे मोर्चा तो गुजरात में केजरीवाल का रोड शो है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में भीड़ जुटेगी। देखिए, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनावी रणभेरी बजते ही नेताओं का दौरा तेज हो गया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में रैलियां करने वाले हैं और उससे पहले पंजाब के ब्यास में रुककर राधा स्वामी सत्संग में भी जाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के सुंदर नगर में दोपहर 1 बजे पीएम मोदी बीजेपी की बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:45 बजे पीएम मोदी की सोलन में रैली है, जहां वो बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 4 अलग अलग जगहों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज रैलियां हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस आज शिमला में अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है। उधर दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के 5 दिवसीय गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज अरविंद केजरीवाल गांधीधाम में रोड शो करेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री फेस के तौर पर इस दौरान गढ़वी के नाम का ऐलान किया था। केजरीवाल 8 नवंबर तक गुजरात में रहेंगे और इस दौरान वो कुल 11 रोड शो करने वाले हैं। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पोरबंदर से अर्जुन बोडवारिया को टिकट दिया गया है। उधर गुजरात में पहले चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
गुजरात में 1 दिसंबर को पहले और 5 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में नेताजी का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। शराब के नशे में ऐसा कारनामा किया कि अब जमकर फजीहत हो रही है। कौन है ये नेताजी और देखिए क्या है इनका ड्रामा। रात के समय में बस स्टैंड पर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। शराब के नशे में पूरी तरह धुत ये शख्स कोई और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के बेटे संदीप कंवर हैं। ड्रामा इस कदर बढ़ गया कि संदीप कंवर सड़क पर ही लेट गए। उनको समझाने और मनमनौवल का दौर काफी देर तक चला लेकिन उन्हें संभालना किसी के बस में नहीं रहा। आप कहाँ जोड़ता हूँ भैया। संदीप जिला पंचायत सदस्य भी हैं लेकिन संदीप को दारू इतनी चढ़ गई कि वो अपने होशो हवाश खो बैठे। हालात ऐसे थे कि अपनी जुबान को काबू में नहीं रख पाए। उन्हें इतना भी होश नहीं रहा कि वो अपने पिता के साथ साथ अपनी साख पर बट्टा लगा रहे हैं। संदीप ने यात्रियों से अभद्रता भी की। मामला रामपुर चौकी इलाके के बस स्टैंड का है। शराब के नशे में संदीप कंवर अपनी सारी मर्यादाएं भूल गए। काफी देर तक उनका हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहां पर मौजूद किसी शख्स ने उनका वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो गया। अपनी हरकत पर नेताजी को अब जवाब देना भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।